मुझे शादी की तैयारी करनी बहुत सारा काम है, शादी की तैयारी करनी बहुत सारा काम है, शादी की तैयारी करनी बहुत सारा। मुंह मीठा कीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं, आपको तो मुंह मीठा करना ही होगा, लड़की ने हाँ जो बोल दी है, और तो और आपको लड़का भी मिल गया है ना, खाइए ना। ये जस्ती शानी समझती है तू अपने आप को? समझना क्या है, अब जो सच है वो तो हम सबके सामने ही है। ताई मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप क्या कर रही है, लेकिन मैं आपको कार्तिक के भोलेपन के साथ खेलने नहीं दूंगी। ये स्वयंवर होगा, माला भी मैं डालूंगी, लेकिन कार्तिक के गले में। और अगर एक बार ऐसा हो गया ना तो सारी उम्र कार्तिक को मेरे साथ बितानी होगी। और बप्पा जिसे पहले इसके गवाह थे हमारी शादी की, वैसे आज भी होंगे। और 20 साल पहले कार्तिक ने जो वादा किया था मुझसे, वो वादा हम दोबारा लेंगे। कार्तिक और सुरभि की प्रेम कहानी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। आप भी नहीं ताई। और हाँ, चाहे उनकी मानसिक हालत जो भी हो, कार्तिक अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। मैं तो भाई की शादी में नई साड़ी लूंगी और उसके ऊपर कुंदन का सेट भी। अरे हाँ हाँ हेमा, सिर्फ तू ही नहीं, ताई तो सबके लिए कपड़े लत्ते खरीदेगी, बेटे की शादी है ना इनके। चलो पिछली बार तो मैंने शादी मिस कर दी थी, लेकिन इस बार तो सब कुछ मेरे सामने होगा। नहीं, मैं भी अपनी मम्मा पापा की शादी देखूंगी, बड़ा मजा आएगा। चलो हमें शादी के बहुत सारे काम है। बेचारी ताई, इन्हें तो फुर्सत ही कहाँ होगी, अब तो इन्हें और भी बड़ी बड़ी डींगे मारनी होंगी, चाहे भले इनका प्लान फ्लॉप क्यों ना हो जाए। हमेशा की तरह चलो चलो। ताई क्या है ये सब, हमारी बातें उल्टी पड़ गई। मालूम है मेरे को बिंदु, दोबारा बोल के मेरे कान से खून निकालने की जरूरत नहीं है तेरे को। ये जो इतनी चपड़ चपड़ करके गई है ना मेरे सामने, छक्का हुआ जिसकी बोलती बंद नहीं की ना, तो मेरा नाम भी कमला दिगंबर बरवे नहीं। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं, हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया, तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। और नहीं भाई, भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। भाई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मुझसे इतनी नफरत करती।
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी में इच्छा से